हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गॉर्जियस कॉल माधुरी। फ्रेंड्स, आज हम आ पहुँचे हैं पाटड़ी, यानी कि सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में। जो पाटड़ी में है वानिंद्र धाम, जो स्वामीनारायण का टेंपल है, वहाँ पे आ गए हैं आज हम। संडे है और छुट्टी का दिन है, तो क्यों ना एंजॉय किया जाए। चलिए, आपको भी मेरे साथ फुल ऑन एंजॉय करना है। एंड दिस इज़ माई लुक बुक ऑफ द डे। रेड जीन्स है, जो पेंट होता है ना वो, एंड रेड हाई नेक वाला टॉप है जिसके ऊपर कुछ वेयर करना पड़ता है, बिकॉज ठंडी है और मॉर्निंग का टाइम है, तो मॉर्निंग में जैकेट या फिर स्वेटर चाहिए। स्वेटर बड़ा ही बोरिंग सा लगने वाला है, इसलिए मैंने ये ब्लू डेनिम का जैकेट एंड स्नीकर्स वेयर कर लिए, ताकि बिल्कुल भी ठंडी ना लगे। एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक बुक ऑफ द डे। हम जर्नी को बिगेन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और आपको भी मेरे साथ घूमना है। ये वैसे मैंने रेड पोर्स मैचिंग ले लिया था, एंड यस, हमारी जर्नी स्टार्ट होती है यहाँ से। वैसे पाटड़ी काफ़ी नज़दीक है सुरेंद्रनगर से, और सुरेंद्रनगर ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट में एक ही घूमने का प्लेस, जो अच्छा प्लेस है वैसे हम बोल सकते हैं, तो वो यही है वानिंद्र धाम, जो स्वामीनारायण का टेम्पल है वो। एंड यस, हम पहुंच गए हैं वानिंद्र धाम, यानी कि पाटड़ी प्रॉपर जो प्लेस है वो, वहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। एंड अब हम एंट्री लेते हैं। एंट्री से पहले बहुत सारे फ़ोटोशूट्स चले और फाइनली हमने एंट्री की अंदर की, और काफ़ी सुंदर था। आप ये कह सकते हो कि पोंचा की तरह ही था, जो इसे बहुत सारे लोग मिनी पोंचा भी बोलते हैं, बिकॉज ऑल ओवर लुक उस तरीके का जो इसमें डेकोरेशन किया गया है, जो इसका आर्किटेक्चर है, ऑलमोस्ट उसी तरीके से है। तो आइए चलिए अंदर से देख लेते हैं। अगर आपको फोटोग्राफी करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बिल्कुल मेरी तरह, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आ सकते हो। एक तरह विज़िट करने जैसा प्लेस है, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से फोटोग्राफी हो सकती है, इवन वीडियोग्राफी भी हो सकती है, बिकॉज़ बहुत ही अच्छा इसका आर्किटेक्चर पूरा बहुत ही सुंदर तरीके से बना हुआ था। तो डेफिनेटली आप अपनी छुट्टी बिताने एक दिन के लिए यहाँ पर ज़रूर से आ सकते हो। काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस था ये। यस, यहाँ पे मेरी वीडियोग्राफी स्टार्ट हो चुकी थी। एक्चुअली छोटे छोटे रील्स के जो वीडियोस बनते हैं वो काफ़ी सुंदर लगते हैं ऐसे प्लेस पे, तो वो डेफिनेटली आप ऐसी जगह पे बना सकते हो। यहाँ पे एक्चुअली गार्डन, टेंपल, स्विमिंग पूल और प्रदर्शनी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप एक दिन तो पूरा अच्छे से स्पेंड कर ही सकते हो यहाँ पे, आराम से स्पेंड कर सकते हो और इन्जॉय भी कर सकते हो। अपनी फैमिली हो या फिर फ्रेंड्स, किसी के भी साथ यहाँ पे डेफिनेटली आ सकते हो आप। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे अगर सिक्का डालो तो आपकी विश पूरी हो जाती है। बहुत से लोगों ने यहाँ पे सिक्के डाले हुए थे। और चलते हैं अब हम टेंपल की ओर, बिकॉज बहुत सारी फोटोग्राफी एंड शूटिंग के बाद हमें पहुँचना था मंदिर दर्शन करने, जिसके लिए हम बेसिकली यहाँ पे आए थे। तो चलिए चलते हैं टेंपल की ओर। ये है मेन मंदिर, जो स्वामीनारायण का टेंपल है वो, उस और की ओर। तो पूरा कमल के ऊपर जैसे टेंपल बना हुआ है, इस तरीके का यहाँ पे आर्किटेक्ट किया गया है। दोनों साइड्स आप देखोगे तो आपको कमल का फ्लावर यानी लोटस फ्लावर नज़र आएगा, और बीच में पानी है, तो खूबसूरत लग रहा था इस तरीके से। और बेसिकली ये है मंदिर, अंदर का जो मंदिर है वो। आप वैसे यहीं से दर्शन कर सकते हो, बिकॉज क्लियरली विजिबल है सारे मंदिर, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना हुआ था और पूरा गोल्डन कलर से, और बहुत सारे झूमर लगे हुए थे, और हर साइड से आप इसे, बीच में जो स्तंभ से उसमें से आप देख सकते हो, इतना खूबसूरत लग रहा था ये। उसका जो पूरा व्यू था, पूरा जो लोकेशन था, काफ़ी अमेजिंग था। वैसे यहाँ पे नीचे पानी भरा हुआ होता है, बट अभी थोड़ा कम था। और ये है हनुमान जी का टेंपल, जिस और अभी हम जा रहे हैं, इसके साइड में ही था हनुमान जी का टेंपल। और बीच बीच में इस तरीके से स्टैचूज लगे हुए थे अलग अलग ऋषि मुनि के, बहुत सारे स्टैचूज बने हुए थे यहाँ पे। गौमुख थे, 108 पूरे गौमुख थे यहाँ पे। और दर्शन हो चुके हैं हमारे, अब हम बाहर एग्जिट कर रहे हैं, बट थोड़ी सी फोटोग्राफी और जो विजुअल यहाँ पे थे वो सब कुछ बाकी था, तो उस और पहले हमें जाना है।
चलिए आप भी हमारे साथ। लेकिन बीच में हमने कर ली थोड़ी सी पेट पूजा, बिकॉज भूख तो लगती है ना यार। अगेन हमारी वीडियोग्राफी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी रील्स के लिए, स्पेशली फॉर रील्स, बिकॉज रील्स अभी बहुत चल रहे हैं। एंड आप मुझे अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं करते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड ये यहाँ पे कुछ विजुअल्स थे जो भी पौराणिक हम बोल सकते हैं, स्टोरीज हैं, हमारी बेलिप्स हैं, उसके अकॉर्डिंग सारे यहाँ पे विजुअल्स लगाए गए थे। लाइटिंग्स इतनी ब्यूटीफुली डेकोरेट की गई थी कि क्या बताऊँ। बहुत सारे महाभारत रामायण के बहुत सारे जो रैंडमली सीन्स हैं वहाँ पे यहाँ पे क्रिएट किए गए थे, और उसमें लाइट का पूरा सेटअप था। तो यहाँ का व्यू जो है बहुत ही अमेजिंग था। बहुत सारी मूर्तिज लगी हुई थी, जो भी पुरानी सारी चीज़ें हैं उसके रिगार्डिंग्स। बहुत सारे थॉट्स और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे वॉलपेपर के तौर पे लगाई गई थी, तो कुछ बहुत अच्छा जानने को भी मिल सकता है आपको यहाँ पे और देखने को भी मिल सकता है। फिर दूसरा विजुअल स्टार्ट हुआ जो कि मिरर का था। अक्सर ऐसा आपने बहुत सारी जगहों पर देखा होगा जो सामने सामने मिरर होता है, उस तरीके से पता ही नहीं चलता किस ओर जाना है और किस ओर नहीं, टकरा जाते हैं शीशे से। लेकिन काफ़ी अमेजिंग था। और ये कुछ ऐसे फ़नी मिरर्स थे जैसे हम काकरिया में भी देखते हैं, जैसे मोटे पतले लंबे छोटे हो जाते हैं, वैसे वाले मिरर थे जो कि हंस हंस के पेट दुख गया था हमारा। इतने अमेजिंग मिरर्स थे, बिल्कुल सेम एज इट इज हैं जैसे काकरिया में होते हैं। चलिए अब हम यहाँ से एग्ज़िट करते हैं और चलते हैं दूसरे विजुअल्स की ओर जो कि कुछ अमेजिंग ही होगा। चलिए देख लेते हैं। You're the night sky, tryna make me see your star.
यहाँ पे बहुत सारे वुडन के आइटम्स बनी थी, जो सारे शॉपिस थे मोस्टली सारे वुडन्स के थे, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली कार्व किए गए थे। नॉर्मली जो एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं उसकी ही कार्विंग्स की गई थी यहाँ पे, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे विजुअल्स लगे हुए थे, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के जो करेंसीज होते हैं वो फ्लावर्स बहुत सारे लगे हुए थे, ये सारे करेंसी हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के, और बहुत सारे शोपीस लगे हुए थे भगवान के, जो नॉर्मली मूर्तियाँ होती हैं वो सारे, और ये सारे आर्टिफिशियल चीज़ें पड़ी हुई थी यहाँ पे, जो बहुत ही काफ़ी सुंदर लुक था यहाँ का। एक क्विक फास्ट लुक देख लेते हैं, बिकॉज ये काफ़ी लंबा था और बहुत सारी चीज़ें थी और सब बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, इसलिए फास्ट एक लुक इस पर ऊपर भी चला ही लेते हैं हम। यहाँ से एक्वेरियम स्टार्ट हो रहा था, बहुत सारे फिशेस रखी हुई थी यहाँ पे, और इसका एंट्री गेट भी पूरा फिश की तरह बना हुआ था जो यहाँ की स्टार्टिंग थी वो, और बहुत सारे यहाँ पे फिशेस रखी गई थी। सारी फिश के जो एक्वेरियम्स हैं उसके ऊपर इसके नाम भी लगे हुए थे कि कौन सी फिश कौन सी है उसके नाम के अकॉर्डिंग, तो बहुत सारी फिशेस भी थी यहाँ पे। एक्वेरियम के अंदर जो स्टोन्स लगे हुए थे और कलरफुल लाइट्स थी वो पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी मुझे, बहुत ही सुंदर लुक आ रहा था इसकी वजह से, और जो फिशेस थी वो भी काफ़ी सुंदर थी, गोल्डन ऑरेंज ब्लैक के सारे ब्राइट कलर्स में आपको बहुत ही ब्यूटीफुल फिश यहाँ पर देखने को मिलेगी। बहुत सारे वेरियस स्पेसिस के फिशेस थे यहाँ पर, और इतनी सारी फिशेस देख के बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाने वाले हैं, तो आप फैमिली के साथ डेफिनेटली यहाँ पर आएँ। अगेन एक्वेरियम भी बहुत सारे यहाँ पे रखे हुए थे, इसलिए मैं क्विक फास्ट व्यू दिखा रही हूँ, बिकॉज स्लोली अगर चलाया हो तो बहुत ज़्यादा देर होने वाली है, इसलिए बहुत सारे एक्वेरियम्स थे यहाँ पे। चलिए फाइनली एक्वेरियम फिनिश होता है यहाँ पे। श्री स्वामी नारायण रवींद्र धाम के इस मल्टीमीडिया एंड यहाँ पे लेज़र शो हो रहा था, तो लेज़र शो हमने देखा थोड़ा बहुत, उसके बाद हम बाहर आ गए थे और दूसरी जगह पे गए, तो वहाँ पे भी कुछ इस तरीके से विजुअल शो हो रहे थे एंड उसमें कुछ स्टोरीज दिखा रहे थे, और मेनली जो सारे प्रकृति के व्यूज़ होते हैं बर्ड्स के, ये सारे व्यूज़ थे और कुछ स्टोरी थी, तो बस यही सारी चीज़ें चल रही थी मेनली। मैंने देखा तो यहाँ पे बर्ड्स हैं, ये जो नेचर हम बोल सकते हैं जैसे, उसके व्यूज़ थे मोस्टली, तो काफ़ी सुंदर व्यूज़ दिखा रहे थे यहाँ पे भी। यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु और महेश और साथ में स्वामीनारायण भगवान थे, जिनकी स्टोरी बता रहे थे कि उन्होंने किस तरीके से प्रकृति को डिवाइड किया, तीनों ने अपने अपने काम किस तरीके से हिस्से में डिवाइड किए, वो सारी जो पौराणिक स्टोरी है वो दिखा रहे थे यहाँ पे, और साथ में अगेन बहुत सारे नेचर के व्यूज़ थे। और ये साइंस सेंटर था जहाँ पे साइंस के रिगार्डिंग सारी चीज़ें रखी हुई थी,
तो ये भी आप देख सकते हो, ये वणिंद्र धाम का एक सैंपल रखा हुआ था, कुछ इस तरीके से बना हुआ है वणिंद्र धाम टेम्पल। ये उसका पूरा व्यू है जो कि एक सैंपल व्यू रखा हुआ है यहाँ पे। और बहुत सारे यहाँ पे ऐसे यंत्र रखे हुए थे जो आपकी ऊर्जा से वर्क करते हैं, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। तो अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है तो डेफ़िनेटली आप यहाँ पे भी एक चक्कर लगा सकते हो। काफ़ी सुंदर था, बहुत सारी लाइटिंग्स और बहुत सारी चीज़ें थी। ये बलून से सारे जो आपकी ऊर्जा से ऊपर जंप कर रहे थे और फिर नीचे आ रहे हैं, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगी। एंड आई एम श्योर आपके बच्चों को भी ये सब पसंद आएगा। बॉटल के अंदर छोटी सी खाट रखी हुई थी। सोचने वाली बात ये है कि बॉटल पहले बनी होगी या फिर खाट पहले रखी होगी। और ये भी बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें यहाँ पे थी। बल्ब जो कि बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के चल रहे थे, आप देख सकते हो विद्युत बल्ब थे, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के बिना ये चल रहे थे। और बाहर आ चुके हैं हम अगेन। हमने थोड़ी सी पेट पूजा की, पास में ही ऑनेस्ट का होटल है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। यहाँ पे रैबिट्स रखे हुए थे और आर्टिफिशियल बहुत सारे एनिमल्स भी बीच बीच में आपको देखने को मिलेंगे, तो वो भी रखे हुए थे यहाँ पे एनिमल्स बहुत सारे। एंड बस अब हम जा रहे हैं। यहाँ पे एक झूलता पूल भी है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। ये रहा वो पूल, इतना ज़्यादा नहीं था हिलने वाला, बट हाँ अच्छा था। चलिए गार्डन की ओर चलते हैं और गार्डन के बाद सीधा घर। तो गार्डन भी बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। एंड यस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये व्लॉग अच्छा लगा हो, तो मेक श्योर इसे लाइक करें। एंड चलिए मिलते हैं दूसरे किसी व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।